तो भाई मेरा नाम चेतन सांगड़ी, अपनी महिंद्रा बोलेरो। इसके अंदर यार देखो, अभी पहले काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रस्टिंग से प्रॉब्लम की मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, जो कि यार अभी इसके अंदर बेसिकली फिर यार उसके रिलेटेड भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, जो कि यार अभी देखना अपनी गाड़ी के अंदर एक छोटा सा नुकसान भी हो गया, जो कि यार अभी किससे रिलेटेड हुआ है, जो कि यार अभी यार अपने चैनल पर आप नहीं होते यार, सबसे पहले यार अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देना अभी बता देता हूँ आपको कौन सी चीज़ है वो जिसके अंदर अभी देखो अपने को नुकसान हुआ है। अब जो कि यार अपनी गाड़ी के अंदर मड फ्लैप है, जो कि यार बेसिकली गाड़ी लेते हैं तो नॉर्मल से यार उसके अंदर लॉक लगे हुए आते हैं, जो कि यार अपनी गाड़ी के अंदर बात करें तो यार देखो अभी इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम तो दे नहीं रखा अपनी गाड़ी के अंदर, बट यार इसके अंदर बोल्ट वाला सिस्टम दे रखा, जो कि यार काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। अब यार बेसिकली अपन दूसरी गाड़ी लेते हो यार उसके अंदर लॉकिंग वाला सिस्टम देखने को मिलता है, बट यार अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर ये वाला सिस्टम ना हो के बोल्ट वाला सिस्टम दे रखा है। ये देखो एज इट इज़ अपनी गाड़ी के अंदर पूरा बोल्ट वाला सिस्टम दे रखा है, बट यार जो अपनी गाड़ी रहती है, जो कि यार साइड में से अभी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं यार इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी सेम एज इट इज़ लॉक वाला सिस्टम ही देखने के लिए मिलता है, यानी कि ये जो को जो आपको इसका लग रखा है ना, इसको देसी भाषा के अंदर वैसे कोबरा बोलते हैं, यानी कि राजस्थान की भाषा के अंदर इसको देसी भाषा के अंदर कोबरा बोलते हैं। जैसे कि यार इसको अब ये क्या है, इसके अंदर लॉकों के अंदर लगा रखा है, लॉक के अंदर लगा हुआ है, जैसे कि प्लाई व्लाई नहीं लगी रहती है कि बोलेरो के अंदर की, उस प्रकार से ये लॉक लगा हुआ था। अब इसके अंदर मैं बात करूँ तो यार अपनी गाड़ी के अंदर फ्रंट वाला मड फ्लैप है, जो कि यार अभी हाल फिलहाल गिर चुका है अपनी गाड़ी में से। अभी बेसिकली बात करें तो देखना, जैसे कि यार फ्रंट वाला लगा रखा है ना अपनी गाड़ी के अंदर, ये सेम उस साइड का जो कि यार अपनी गाड़ी के अंदर अभी गिर रखा है। देखो यहाँ से भी इसका अंदर बोल्ट वाला सिस्टम देखने को मिला था, पर बेसिकली अपन दूसरी गाड़ी लेते हैं तो यार उसके अंदर जैसे कि यार मारुति की ले लो या कोई सी गाड़ी ले लो तो उसके अंदर लॉक वाला सिस्टम देखने को मिलता है, बट यार अपनी महिंद्रा बोलेरो ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर ऐसा बोल्ट वाला सिस्टम देखने के लिए मिलता है। अब यार उस तरफ भी जाके बताऊँ तो यार आपको, अब जैसे जैसे छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं तो यार अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर है ना एक थोड़ी अलग सी पहचान देखने को मिल जाती है, जो कि यार अपनी काफ़ी अच्छी है। अभी देखना देखो, ये मेरे को खास कर देखो रस्टिंग की वजह से ही अपने को मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है अपनी गाड़ी के अंदर, जैसे कि यार अभी देखना ये देखो यहाँ से वो पूरा जैसे टूट कर ही गिर गया, क्योंकि रस्टिंग की प्रॉब्लम थी अपनी गाड़ी के अंदर। मैं एक बार तो उसको रिमूव करने में भी था, बट यार नहीं कर पाया मैं। अब इसके अंदर देखो यार बोल्ट के अंदर था तो यार ये एज इट इज़ पूरा टूट कर नीचे गिर गया। अब ऐसा आपकी गाड़ी में ना हो ना तो आप इसको एक बार देख लेना, क्योंकि यार इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि यार फालतू में खामा का कोई छोटा सा भी क्यों होगा अपनी गाड़ी के अंदर नुकसान, एक बार देखते रहना, क्योंकि यार ये छोटी छोटी चीज़ें ही रहती है जो कि यार अपनी गाड़ी के अंदर टूट जाती हैं तो यार काफ़ी ज़्यादा अपने को धीरे धीरे नुकसान सा ऐसा महसूस होने लग जाता है। तो यार अभी देखो यार अपनी गाड़ी के अंदर साइड में से भी ये भी साइड प्रोफाइल तो बिल्कुल एकदम मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, जो कि यार अभी अपनी गाड़ी के अंदर देखो। अब ये वाला ही है ना ये मड फ्लैप, जो कि यार अभी टूट चुका है, जो कि यार इसको भी चेंज करवाने में तो कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि यार जब तक अपनी गाड़ी की रस्टिंग नहीं निकलेगी ना जब तक अपन नहीं करवाएंगे इसको, क्योंकि यार मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा मैं वैसे भी ऐसे बोलते हैं ना कि शौक पूरा हो गया अपनी महिंद्रा बोलेरो का, एक बात है इससे अपनी गाड़ी से, जो कि यार मैं इसको थोड़ा सा हमेशा सोच रहे हैं तो इसकी रस्टिंग चला ले या फिर अपनी गाड़ी को चेंज कर ले, हमेशा प्लान कर रहे हैं, बट यार ऐसा कोई नहीं। बट अभी अपना रखने का प्लान रहता है ना अपनी गाड़ी को, तो यार मैं देखो सबसे पहले तो यार अपनी गाड़ी की रस्टिंग निकलवाएंगे, जो कि यार क्या ही हालत हो रही है अपनी गाड़ी की। ये महिंद्रा के अंदर ही ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है बेसिकली, और कोई किसी कंपनी के अंदर भी नहीं मिलती अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम, जैसे कि यार टोयोटा ले लो या उनके अंदर इतनी जल्दी से रस्टिंग नहीं देखने को मिलती, बट यार अपनी गाड़ी है ना महिंद्रा की, जो कि यार अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग की प्रॉब्लम तो देखने के लिए मिल रही है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट होकर एज इट इज़ नीचे तक पूरी रस्टिंग की काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि यार इसके अंदर माना कि फेंडर तो बेसिकली मान सकते हैं वैसे कि यार अब इसके अंदर बॉडी के अंदर ही इतना क्या ही यार इतना क्या ख़राब लोगों डाल रही है यार कंपनी, धीरे धीरे अपनी गाड़ी के अंदर पूरी ऑल ओवर, अब ये क्या है जब भी सही होगी ना रिपेयर होगी ये वाला सिस्टम पूरा, तो ये पूरा कट के फिर नया ही डलेगा, तो क्या ये इतनी कोई सही नहीं हो पाएगी परफेक्टली, इसको सही करने के लिए यार काफ़ी इसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी उनको, तब जाके ऐसे सही हो पाएगी। वैसे कोई नहीं यार वो ऐसे परफेक्ट रहते हैं वैसे तो, कोई भी उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यार बेसिकली उस तरफ तो देखना, अभी वापस बता देता हूँ आपको, उस तरफ तो यार काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम सी ही आएगी उनको। देखो इस तरफ ही है, इस तरफ तो फिर भी कम है, इस तरफ तो पूरा ऐसे ही खड्डा ही हो रखा है। देखो इसमें तो क्या है फेंडर ही पूरा चेंज होगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो के अंदर भी बता रखा है, क्योंकि यार इसके अंदर एज इट इज़ पूरा फेंडर ही चेंज होगा। अब यार बेसिकली इसके अंदर
इस वाले को भी यार, मड फ्लिप वालों को भी नहीं छोड़े थे कि यार इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई यार। देखो अब इसके अंदर भी ये क्या है, बोल्ट लगे हुए रहते थे जो कि यार अभी मेरे को पता था कि ये गिरने वाला है, बट यार मैंने इसको इग्नोर कर दिया। फिर जाके 2-3 देर बाद में ये गिर ही गया। फिर भी कोई नहीं यार, अपनी गाड़ी यार धोने के बाद में चली भी नहीं, चलने के बाद में तो ये टूट के गिर ही गया ना। वैसे यार इसके अंदर अपनी गाड़ी के अंदर देखो छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, बट यार अभी रेस्टिंग से रिलेटेड ही अपने को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है धीरे धीरे, बट कोई नहीं चलता है। इसके अंदर अभी बात करें तो गियर से इसके अंदर कोई भी ऐसे कनेक्टेड नहीं है कि यार मड फ्लैप इसके अंदर कनेक्टेड दे रखा हो बेसिकली। अभी इसके अंदर क्या है, रियर के अंदर भी पूरा ऐसे बिल्कुल ऐसे लोको के अंदर दे रखा है साइड में से, ना ही तो इसके अंदर बॉडी से रिलेटेड है, ना ही और कुछ, ना ही तो वो बोल्टों के अंदर है। बोल्टों के अंदर वो कपलर यानी कि लोको होने के बाद में ही दे रखा है इसके अंदर। अभी यार मैं बताऊँ तो आपको बेसिकली देखना, अभी बता देता हूँ आपको किस प्रकार से इसके अंदर अपनी गाड़ी के अंदर साइड में से दे रखा है, देखना भी यार। अगर आप स्किप करके आए हो तो वीडियो को सबसे पहले यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो यार इसके अंदर ये बोल्ट वाला सिस्टम दे रखा ना, मेरे को यार काफ़ी बढ़िया लगा। देखो यहाँ से बोल्ट होते हुए इस तरफ से, देखो ये पीछे की तरफ से बोल्ट लगे हुए हैं, ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और पीछे नीचे की तरफ महिंद्रा की बेसिंग, ये चीज़ और भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। देखिए यार यहाँ से लग रखा है ना ये वाला पूरा सिस्टम, ये वाला क्या है बोल्टों के यानी बोल्टों के अंदर नहीं दे रखा है, इसके अंदर ये पूरा लॉक्स के अंदर दे रखा है। अभी आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि यार ये ऐसे बिल्कुल हाइड कर रखे हैं ऐसे। अब इसके अंदर इस साइड तो देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि यार ऐसे ही थोड़ी सी यार रहती है जो कि यार कंपनी रोबोट भी कहीं कर लेंगे अभी ऐसी गाड़ियों के अंदर। अब यार बेसिकली मैं बताऊँ तो यार आपको देखना भी, इसके अंदर फ्रंट से भी इसके अंदर लॉक दे रखे हैं जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है वैसे। बट यार ये देखो इसके अंदर जो बोल्ट नट वट रहते थे सब हाइड करके दिन फिर लगे हुए हैं, जैसे यार कहीं पर अपनी गाड़ी टच भी हो रखी थी यहाँ से, फिर ये क्या है अंदर की तरफ भी बैठ गया पूरा, ये वाला इससे क्या है अंदर की तरफ भी बैठ गया, जैसे ही क्या ये यहाँ पर ऐसा हो गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है अपनी अपनी गाड़ी के अंदर। देखो फ्रंट से तो फ्रंट वाले बम्पर के अंदर तो अपने कोई भी रेस्टिंग नहीं देखने मिलती, बट यार अभी रियर से ही बात करें ना तो इसके अंदर जो कि यार मड गार्ड रहती है ना, यानी कि ये फेंडर वेंडर में इनमें तो काफ़ी ज़्यादा रेस्टिंग अपने को फेल हुई है अपनी गाड़ी के अंदर, क्योंकि यार ये होनी भी चाहिए क्योंकि यार अपनी गाड़ी 2 लाख के अप्रोक्स चल चुकी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पानी का रोटेशन हुआ होगा यानी गाड़ी के अंदर यानी फेंडर के अंदर। तो यार इससे काफ़ी ज़्यादा अपनी गाड़ी क्या है के अंदर क्या है रेस्टिंग पकड़ ही लेती है, रेस्टिंग एक बार पकड़ने के बाद में क्या है छोड़ती भी नहीं है, क्योंकि यार अभी देख लो यार अपनी गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेस्टिंग आ चुकी है, इससे जिससे क्या अपने को धीरे धीरे देखो मसले से रिलेटेड ले लो यार कोई से और कोई सी चीज़ से रिलेटेड ले लो तो यार अपनी गाड़ी के अंदर छोटे मोटे नुकसान ऐसे हो रहे हैं अभी। बेसिकली यार होने भी चाहिए, अपनी गाड़ी लगभग अप्रोक्स 2,27,000 के आसपास चल चुकी है जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है, जो कि यार महिंद्रा का इंजन इतना रिलायबल है और क्या ही लोग है यार, जो कि यार 7 साल के अंदर तो लगभग मेरे हिसाब से 1,96,000 किलोमीटर चली हुई तो लिए थे हमने, जो कि यार लगभग इतनी देख लो इतनी चल गई यार 7 साल के अंदर। अभी देख लो लगभग अप्रोक्स 10 साल हो गए जो कि यार इसके अंदर ये देखो 2,27,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी, जो कि यार इनोवा काफ़ी इनोवा लाते हैं लोग बाग कि यार मेरे को यार टैक्सी के अंदर ये चलानी है तो मेरे को ज़्यादा चलानी है तो यार गाड़ी इंजन भी रिलायबल चाहिए, लोग बाग ज़्यादा इनोवा को प्रेफर करते हैं। फिर भी यार अपनी महिंद्रा बोलेरो काफ़ी अच्छी अपने को काफ़ी अच्छी चल गई यार फिर भी। तो यार अभी बेसिकली उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं महिंद्रा से, पर यार कितना काफ़ी रिलायबल इंजन महिंद्रा का भी देखने के लिए मिलता है। अब देख लो यार आज के लिए तो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ।